रहता का उल्टा चश्मा। जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं वो एक नहीं पर दो जोड़ियां हैं। व्हाट? जेठा अंकल और अय्यर अंकल की जोड़ी। पोपट अंकल और पपीता आंटी। प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ मेहता साहब, तबियत ठीक नहीं है? आप बताओ जेठालाल, तबियत ठीक है भी और नहीं भी? क्या मतलब? मतलब क्या जेठालाल, परेशान हो गए यार घर में बैठे बैठे इस कोरोना काल में। पता नहीं कब ऑफिस में जाके काम करूंगा, बाहर की दुनिया की हवा खाऊंगा, कब जिंदगी पटरी पे लौटेगी। सही कह रहे हो मेहता साहब, पर आपका तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, तो मैं कैसे घर में बैठ के गड्डी रिपेयर करूं? हाँ भाई, मैं भी दुकान जाने के लिए इतना तलपापड़ हो गया हूँ कि कोई मुझे कहे ना कि अगर तुम चाहते हो ये कोरोना काल अभी के अभी खत्म हो जाए तो तुम्हें 6 महीने तक जलेबी फाफड़ा छोड़ना होगा, तो मैं उसे कहूंगा 6 महीना क्या, मैं 1 साल तक जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा बस। मैं भी 2 साल के लिए पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। छोड़िए 2 साल? ओ जेठा प्रा, कहने की बात है, एक बार कोरोना आउट ते कैरम इन, किसी नु पता नहीं चलना। अरे नहीं नहीं छोड़िए, ऐसे चीटिंग नहीं भाई, अगर कोरोना ने सुन लिया ना तो दूसरी बार बमने जोर से ट्रक के का वो। ठीक है, मैं 6 महीने के लिए पार्टी शार्टी छोड़ दूंगा। ओ मेहता साहब, ओ तुसी क्या छोड़ोगे? पर मैं क्या छोड़ूंगा सोड़ी भाई, मेरा तो सब कुछ छूटा हुआ है वैसे ही है? मैं तो अपना लूंगा। और भाई मुझ पे सबसे ज्यादा जुर्म किस चीज का होता है? ये ग्रीन टी डाइट फूड, अगर ये कोरोना काल खुल जाए सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, ये सब अपना लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए? नहीं, उनके लिए टाइम क्या सोडी, उनके लिए तो ये सब रोज का है ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक ये मुंह बिगड़ के खाते थे, अभी खुशी खुशी खाएंगे, नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी खुशी। हाँ चलो ये भी ठीक है। चलो भाई, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना जोन से मुक्त हो जाए। ठीक है, ओके चलो चलो ओके। चलो सोडी। ये कोरोना काल में घर पे बैठे बैठे घर के सारे काम सीख गए। कुर्ते में बटन टकना तक सीख गया, अभी दुकान जाके दुकान का काम कब करने मिलेगा। जगिया, तू ये मेरे सफेद कुर्ते में लाल बटन लगा रहा है? हाँ बापू जी। ये हाँ वाली सफेद बटन लगा। बापू जी, सफेद कुर्ते में सफेद बटन दिखेगा नहीं, इसको दिखाना है। बापू जी, सफेद कुर्ते में लाल बटन एकदम मस्त उठ के आएगा बाहर। बाबू चक, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। अरे कोई नहीं हंसेगा बापू जी, उल्टा सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या मस्त लग रहे हैं आप। तू रहने दे भाई, तू मत लगा मुझे दे, मैं सफेद बटन लगा लूंगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं कोई बात नहीं सफेद बटन लगा देता हूँ, कोई बात भाई। ओ हीरो, जरा समाचार लगा ना भाई। अब बस 2 मिनट। अरे क्या 2 मिनट बेटा, पूरे लॉकडाउन में तूने यही किया है। कोई देखेगा तो बोलेगा व्यापारी के घर में तो डांसर कहां से पैदा हो गया। नहीं बापूजी, बापूजी आप कुछ तो बोलिए। तू जब छोटा था ना तो इतनी शरारत करता था कि गांव का हर एक आदमी आके मुझे बोलता था कि ये चंपक, ये तेरे संस्कारी खानदान में ये शरारती नंग पैदा हुआ है। और बोलू तू समाचार लगाना भाई। बेटा समाचार लगा ना बेटा, बस क्यों आज न्यूज में कुछ खास आने वाला है? हाँ भाई, वो कोरोना काल को लेके कोई खास खबर आने वाली है आज। अच्छा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इस न्यूज को बताने के पहले मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक चटपटी सी खबर। एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए लगातार 4 महीने, और वो इस कदर अपनी पत्नी से परेशान हो गया कि उसने खुद को जाके अस्पताल में एडमिट करवा दिया। एक हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति का बिल 2 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर जाने को तैयार नहीं है। सहायता के लिए उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उसका घर और उसका वर्किंग एरिया कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर आएगा, वह व्यक्ति घर जाने की
सोचेगा भी नहीं। बराबर है। अब मैं आप लोगों को खबर देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से रिलेटेड। हाँ वो बता ना भाई। सब बोल ना ना। जो कि मैं आपको दूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी ये जाहिर खबर के बाद बताएगी। ये लोग भी ना इतना टटड़ाते हम सबको। नमस्कार दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कल तक पर। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए? अरे कब से तैयार है भाई, तो बोलना। ज्यादा कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे इलाके अभी भी कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर में है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल से इन सभी इलाकों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कल से आप लोग गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतने महीनों बाद कल से मैं दुकान जा पाऊंगा बाबूजी। अरे दुकान खुलेगी, धंधा होगा, कमाई होगी। आई लव यू रीटा। आई आभार आभार यू। तेरा लाख लाख आभार है रीटा। क्या खबर सुनाई है बाबूजी? हाँ सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। दुख भरे दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीतर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीतर भैया, बीतर भैया। दादाजी, पापा ने जब कुर्ता उछाला ना तो कुर्ते के साथ साथ सुई भी सोफे पे आ गई। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी। वो चल अभी सॉरी सॉरी बोलना छोड़, खुशी मना। दिन दिन तक 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 दिन दिन तक तक तक। दादाजी मुझसे के मस्त ढोल बजाते हो। अरे टप्पू, पूरे गांव में बापूजी का नाम था। एक बापूजी थे जो मुझसे इतना फर्स्ट क्लास ढोल बजा सकते थे। अरे थक गए बापू जी, बैठ जाओ। अरे क्या थक गए? अरे अभी आप ही बोल रहे थे ना, थक गया। अरे नहीं झटिया, थक गया नहीं, मैं थक गया नहीं कर रहा था। भांगड़ा कहाँ से बज रहा है? पापा पापा पापा, भांगड़ा ढोल की आवाज कंपाउंड से आ रही है। कंपाउंड में कौन बजा रहा है? पता नहीं, चलिए देखते हैं। आई आई बाबू जी, आई आई। ओ कल से गैरेज जाऊंगा। ओए मैं भी कल से दुकान जाऊंगा। हाँ बोले बोले बोले। बोले बोले। बोले बोले। अरे मैं भी कल से मैरिज ब्यूरो जाऊंगा। बारी बरसी खटन गया सी, ते खट के ले आंदा ताल। ओ पंगड़ा ता सजदा जद नचे सारे मेरे नाल। सोड़ी अंकल, जब हमारा घर में गरबा चल रहा था ना, तब आपका भांगड़ा शुरू हो गया, तो हमारा घर अधूरा रह गया, तो प्लीज गरबा बजाइए ना। क्यों पापा, हो जाए? अच्छा आइडिया है, बजा 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 सोड़ी, गरबा बजा। हेलो सुनो, एक खुशखबरी है।
अब्दुल ब्रा, और इसी खुशी में तो मैं ढोल बजा रहा हूँ और इसी खुशी में सारे नाच रहे हैं। तो? अरे मुझे तो लगा कि टाइम पास के लिए ढोल बजा रहे हो। बोलो। अरे नहीं भाई अब्दुल, अभी बहुत हो गया टाइम पास भाई। अभी कल से काम ही काम, बेशुमार है बाबू जी। क्यों माता साहब? हाँ भाई बहुत काम करना है और ऑफिस जाने की इतनी खुशी हुई, पूछो मत। और सोड़ी, तुमने ढोल बजा के खुशी को दुगना कर दिया, उत्साह को बढ़ा दिया। यस भाई, कल से ऑफिस जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। अरे कितने महीनों बाद मैं कल मेरी दुकान के दर्शन कर पाऊंगा, कितने महीनों बाद बापूजी दुकान में खरीदी करने आए हुए कस्टमर के दर्शन कर पाऊंगा, कितने महीनों बाद नट्टू कक्कर बग्गा मेरे मगज की नस खींचेंगे। मैं तो दुकान जाने के लिए मेहता साहब ऐसे थनगन रहा हूँ जैसे मोर नाचने के लिए थनगन रहा हूँ। घन घोर जरे चहु और मारू मान, मोर बनी थन गाट कर मन, मोर बनी थन गाट कर मन, मोर बनी थन गाट करे भितक भितक धिन। हे मोर बनी थन गाट कर मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। वाह वाह जेठा भाई, क्या बात है, वाह। अरे आप सब लोगों को पता है ये जो गाना है ना, मन मोर बनी थन गाट करे, ये हमारे देश के सबसे बड़े लोक साहित्यकार श्री जवेरचंद मेघाणी जी ने लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, और एक बात और, आदरणीय श्री जवेरचंद मेघाणी जी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे। जयडालाल तुम दुकान जाते समय ये था मोर डांस करेगा ना तो सब लोग तुमको हंसेगा। नहीं नहीं नहीं, बराबर बराबर बोल रहे हैं आप, सॉरी सर, बराबर बराबर। अरे बबीता जी, कल आपने मुझे और बापू जी को जो अय्यर भाई के बारे में बोला ना, एकदम परफेक्ट बोला। अय्यर भाई 100% नहीं 200% वैसे ही है। बबीता तुमने क्या कहा था मेरे बारे में चाचा जी और जयडलाल को? नहीं बबीता जी बताना मत, वरना बेचारा अय्यर भाई बुरा मान जाएंगे। बबीता मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, तुम बताओ तुमने चाचा जी और जयडलाल को मेरे बारे में क्या बताया? नहीं बबीता जी नहीं, मत मत बताना। बबीता अगर ये तुमने नहीं बताया ना तो तुमको मेरा कदम है। अरे अय्यर भाई साइनिस्टों के कसम खाने की बात कर रहे। जयडलाल तुम बीच में मत बोलो, बबीता प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ ना। अय्यर एक मिनट तुम मुझे बात तो करने दो। मैंने जेठा जी और चाचा जी से कोई बात नहीं की, वो तुमसे मजाक कर रहे हैं। अय्यर भाई हाँ अय्यर भाई मैं मजाक कर रहा था, सॉरी भाई सॉरी। जयडलाल तुम कब सुधरेगा? जब ये भीड़ सुधर जाएगा ना तभी मैं भी सुधर जाऊंगा बस। ओ जेठालाल क्या बोल रहे हो, मैं बिगड़े कब था जो सुधरने की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया है? अभी छोड़ना भाई, सबके सामने कहाँ बोलूँ, अभी छोड़। नहीं बताओ बताओ सबके सामने बताओ। अरे सबके सामने बताने जैसा नहीं है भाई, फिर भी अगर तुझे जानना है तो माधवी भाभी से पूछ ले जा, उनको सब पता है। माधवी को पता है? क्या जेठालाल यार तुम भी, भिड़े ने तुम्हारे मजाक को सच मान लिया भाई। हाँ भाई इसीलिए तो बोला भाई, बे घड़ी गम्मत भाई, छोड़ा ना यार अभी मजा आएगा देखो। मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया जो मुझे सुधरने की जरूरत है? शादी के बाद ना आप मुझे रोज आई लव यू कहा करते थे, लेकिन आजकल एक बार भी नहीं कहते। इसमें आपको सुधरने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक मिनट, आज अचानक ये सवाल क्यों आया आपको? क्या भाई है? ये बात तुमने जेठा को बताई? नहीं ये आई लव यू वाली बात मैं जेठा भाई को क्यों बताऊंगी? तो वो क्या सबके सामने मुझे बोल रहा है बालकनी में कि तुम बिगड़ गए हो, तुम्हें सुधरने की जरूरत है, जाके माधवी से पूछो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक मिनट मैं उनको पूछती हूँ। जरा पक्का विचार विचार एक काम ही बोल सकते। जेठा भाई अरे कहाँ पीछे रह गया, आना भाई।
अभी माधवी भाभी सब सच सच बता देंगे तुझे। माधवी भाभी विवेक और सबको ये बताओ, वो उस दिन मेहता साहब और अंजलि भाभी के सामने आपने जो भीड़े के बारे में बात कही थी वो आपने ही कही थी ना? हाँ हाँ, वो बात मैं नहीं कही थी। क्या कौन सी बात माधवी, तुमने अभी मुझे बोला कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और अभी तुम बोल रहे हो कि मैंने कही थी, काय काय ताल्ले का है? मतलब वो बात भी मेरी ही थी, ये बात भी मेरी ही थी। कुठली बात काय चल रही एग्जैक्टली? माधवी तुमने भी मुझे बोला था कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। सॉरी सॉरी जेठा भाई। आए माधवी भाभी तुम्हें पान। तो इनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हूँ। जेठा भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। जेठालाल मजाक तो बनता है ना भाई। बनता है, बनता है भाई, बनता है। जेठालाल मुझे मजाक पसंद नहीं है। और माधवी तुम भी शामिल होगे इसके साथ? माला है अजीब आवड़ेला नहीं है। अहो आइका मैंने ही मजाक किया। शाबाश बिड़े शाबाश। वहाँ बिड़ू नहले पे दहला अजीब। डर गई मैं। हाँ तो क्या तुम भी मजाक कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता मजाक। जीवन में हंसी मजाक के अलावा और रखा ही क्या है? करे टेपन छे। जेठा भाई अभी दया भाभी भी अहमदाबाद से वापस आ जाएगी ना? हाँ। कांग्रेचुलेशंस जेठालाल, दया भाभी आ जाएगी। पता नहीं मेरी पत्नी कब आएगी। आ जाएगी। ए पोपटलाल मुझे पता है तुम्हारी पत्नी कब आएगी। कब कब कब? तुम्हारी शादी होने के बाद। चालू रखो दौर, चालू रखो मजाक का दौर, चालू। आज सब मजाक के मूड में है। ओए पोपू पहले तू मेनू एक गल दस, तू बालकनी में पीपीई किट पहन के क्यों खड़ा है? अरे हाँ। अरे भाई सोड़ी, जब से कोरोना शुरू हुआ है ना मैंने खास बड़े ज्योतिषी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस जिस दिन मुझे खतरा ज्यादा है वो बताते हैं, उस दिन मैं पीपी किट पहन के घूमता हूँ घर के अंदर घर के बाहर। ये पीपी किट सुरक्षा कवच है। अरे भाई इससे मैं बीमार होने से बच सकता हूँ। जरा सोचिए कि किसी ने कंपाउंड में छींका और वो छींक मतलब उसका वायरस उड़ते हुए सेकंड फ्लोर मेरे घर आकर मुझसे चिपक गया तो भाई बीमार लड़के से कौन लड़की शादी करने के लिए हाँ बोलेगी। हाँ फिर तो पोपट भाई का रिश्ता होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। पर पाने ना होते ना कोरोना। भाई शादी के मामले में मैं 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। अब पोपटलाल इतना डरने का जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बराबर है यार बेटा, लेकिन चेत तो नर सदा सुखी। मतलब? अरे मतलब ये आयर कि जो व्यक्ति सावधान रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। Prevention is better than cure. अरे वाह सभी लोग यहीं पर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आदि भाई। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ मैंने अभी टीवी पर देखा, बहुत ही बड़ी और सही खबर है। पर हंस तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है क्योंकि तुम तो रोज हॉस्पिटल जाते हो। और पापा आप तो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी रोज हॉस्पिटल जाओगे। ऑफ कोर्स सही बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हंस। थैंक यू कोमल। हेलो हाँ जी मैं रेडी हूँ। हाँ बस आप सोसाइटी के बाहर आइए मैं आता हूँ। कोमल मुझे निकलना होगा। ओ हाथीपुरा अस्पताल जाना है तो मैं अपनी गड्डी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, हॉस्पिटल से कार लेने आ रही है मुझे। अच्छा डॉक्टर आती एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है हम लोग तो घरों में बैठे थे लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आप अपने अस्पताल नहीं गए। क्या बात है डॉक्टर। खरे करा टड्डन साची वाले। यस। अरे मेहता अंकल ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बार तो पापा को लेट नाइट फोन आता है तो भी वो उठ के जाते हैं। हाँ अब हंस के लिए खाना प्रायोरिटी नहीं है, अब पेशेंट की सेवा हंस की प्रायोरिटी है। हाँ हाथी भाई आप तो हमारे कोरोना वॉरियर हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। सल्यूट 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 है आपको। सच में सल्यूट सारे डॉक्टरों को। बिल्कुल बिल्कुल हाथी भाई, हम सबको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है, क्यों दोस्तों? यस यस एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ गर्म नहीं है जेठालाल, अगली एनुअल मीटिंग में हाथी भाई को पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से गो वीपू दिया जाएगा, यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। बाप रे, कांग्रेचुलेशंस। अरे दिया क्या जाएगा, मैंने तो दे दिया। हाथी भाई अंजाम विजयसो 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 विजयसो। दोस्तों मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सोड़ी गैराज जाएगा, जेठालाल की दुकान खुलेगी। भाई मेरा जी कर रहा है कि मैं पंछी की तरह उड़ता हुआ चला जाऊं। बस आप कहेंगे भाई क्या तारक मेहता पगला गए, अरे बात ही इतनी खुशी की है, खुशी में आदमी पागल हो ही जाता है। सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है, ऐसे ही जैसे आप भरपूर ट्रैफिक में फंसे और अचानक सिग्नल खुल जाए, या बच्चे एग्जाम में व्यस्त और कहें कि अचानक वेकेशन हो गई है भाई, और या फिर कोई मछली कांटे में फंसी और कांटे से निकल जाए, उससे कहीं ज्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है गोकुलधाम निवासी एक तरह से फिर से आजाद हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। यूं कहिए कि नॉर्मल होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी नॉर्मल अगर होता है ना तो एबनॉर्मली हंगामे जरूर होते हैं। तो इस नए नॉर्मल में कितने हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मुझे तो लड़ाई के नाम से डर लगता है। अरे डोंट वरी सोनू, जब हमारी शादी होगी ना तब हमारे मैरिज लाइफ में लड़ाई तो क्या नोकझोंक भी नहीं होगी। क्या बोल रहे तू हां जेठालाल, सुना तुमने क्या बोला उससे? अरे कुछ संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? लड़की के माँ बाप के सामने खुलेआम बोल रहे कि हमारी शादी होगी तब, क्या मतलब है इसका? टप्पू बेटा क्या बोल रहे भिड़े अंकल? अरे भिड़े अंकल मतलब जब मेरी और सोनू की शादी होगी तब हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। निर्लज्ज है, अभी तो खुलेआम बोल रहे जब मेरी और सोनू की शादी होगी। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।